Riyad Ali from Akansol. I hope you all are good and we welcome you all in today's expo. Aaj expo ka first day hai. Ji bilkul nazreen jaise aap dekh rahe hain aaj hum maujood hain Islamabad mein ek bahut hi mega expo hone ja raha hai. Ho raha hai aur uski hum site pe maujood hain aur ye ho raha hai jo Pak China Friendship Center hai. यहाँ पे अभी हम मौजूद हैं. इसमें क्या लगता है आपको, आज का एक्सपो कैसा जा रहा है और आपके भाई आपकी क्या इसके बारे में राय है? बहुत ही जबरदस्त एक्सपो जा रहा है. यहाँ पे बहुत सी रियल इस्टेट कंपनीज आई हुई हैं जो कि अपनी प्रॉपर्टी एग्जीबिशन के लिए यहाँ पे आई हुई हैं और हमारी अपनी मकान की टीम और रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं. जी बिल्कुल, आज हम आपको अभी अंदर जाके दिखाएंगे कि अंदर किस तरह की चहलकदमी है और लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं और डिफरेंट हर एक अलग तरीके से अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं और सारे रिप्रेजेंटेटिव अपनी जो है वो कोशिशों में जारी है वो अपने क्लाइंट्स को कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें. इसी तरह मकान सॉल्यूशन की टीम भी इसी तरह से यहाँ पे हमारा स्टॉल भी अवेलेबल है और हमारी कोशिश सबसे पहले ये होती है कि क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दिखा दे सकते. तो चले आए चलते हैं, हम आपको जो है आगे लेके चलते हैं, अगर दिखाते हैं आपको अंदर क्या हो रहा है. ऐसा चले जिसमें आ जाए लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग इकट्ठे हैं और काफ़ी इंटरेस्ट पाया जा रहा है लोगों में यहाँ पे इस एक्सपो को लेके. तो आए चलते हैं आपको आगे लेके चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे आगे क्या हो रहा है. कम ऑन जी व्यूअर्स, तो इस टाइम जैसे कि आप जानते हैं हम पहुंच चुके हैं मकान सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म पे, हमारे स्टॉल पे. तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसी स्पेशलिस्ट से और देखते हैं वो इस एक्सपो के बारे में अपनी क्या राय देते हैं. आ जाए, अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? तो सर क्या कहेंगे आप, मकान सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म पे हम इस टाइम मौजूद हैं, तो हम मकान सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, आप बताएं आपको इस एक्सपो के बारे में क्या राय है, आप हमारे व्यूज़ को बताइए. काफ़ी अच्छा एक्सपो रहा है, अभी कहना देना बहुत ज़्यादा हवा है. ठीक है, वैसे भी क्लाइंट्स आई जा रहे हैं चुके हैं, क्लैरिटी वही क्लैरिटी कर रहे हैं कैप्चर स्मार्ट सिटी और लोगो स्मार्ट सिटी के ऑफिशियल से पाता है. तो ज़्यादातर क्लाइंट का इंटरेस्ट यही होता है कि हम ऑफिशियल सेल्स पार्टनर से पार्ट. अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आपको लोगों का इंटरेस्ट कैसा लग रहा है, मतलब कि आप देख के, एक होता है ना कि हम देख रहे हैं हमें बाकी जो आम हमारे लोग हैं जो आते हैं यहाँ विजिट करने आते हैं, हमारे क्लाइंट्स होते हैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए आते हैं, तो आप उनको बारे में आप क्या कहेंगे कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है इस फील्ड में? जिस रियल स्टेट का वैसे भी अगर इंटरेस्ट, तो वैसे रियल स्टेट मार्केट बहुत बड़ी मार्केट. ठीक है, जब कोई भी आता है पहले तो इंटरेस्ट के साथ ही आता है. जो यहाँ पर जो आ रहे हैं ना उनको कैप्टर स्मार्ट सिटी का जब एक वर्ड बताते हैं हम के हबीब रफीक ग्रुप, तो उसके बाद कोई क्वेश्चन उनका इतना डिटेल से रहता ही. एग्जैक्टली, क्योंकि हबीब रफीक नाम ही का. चलो थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम सर. सर एक मिनट चाहिए होगा आपका. सर आप मुझे बताएं कि आपकी क्या राय है आज के एक्सपो के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा एक्सपो ये जो रियल इस्टेट रिलेटेड शोबे से लोग ताल्लुक रखते हैं. ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, काफ़ी सारी स्टेट्स के ऑफिस यहाँ पे खुले हुए हैं, इन्वेस्टमेंट करनी मतलब बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन्फॉर्मेशन आप लेनी इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है, जो रियल एस्टेट कंपनीज उनके लिए भी अच्छा है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, क्लाइंट्स आ रहे हैं आप. अच्छा आप मुझे एक और बात बताएं, आप देखें यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स हैं और काफ़ी और भी कंपनीज आई हैं, आप मकान सॉल्यूशन को कहाँ देख रहे हैं, मतलब कि हमें और बाकी जो स्टॉल्स हैं उनमें ऐसा क्या मतलब डिफरेंस है कि आप जो समझते हैं आपको लगता है कि मकान सॉल्यूशन इज वेरी हाईली मोटिवेटेड है, इसका क्या है इसका? लेकिन चीज़ें जो हैं तकरीबन सब लोग सेम ही सही कर रहे हैं. ठीक है, सेम और स्कीम में डील कर रहे हैं, कोई डिफरेंट ऊपर नीचे स्कीम्स हैं. ठीक है, बट द थिंग इज़ कि आपकी आर्टिफिशियल सर्विसेज कैसी हैं, आपकी सेलिंग सर्विसेज कैसी हैं, आपके क्लाइंट्स का कैसा रवैया है, ये चीज़ें मैटर करती हैं. ठीक है, ठीक है, तो वो मेरे ख्याल में हमारी काफ़ी अच्छी है. ठीक है, और मतलब
सब अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, इसी तरह हम भी तरफ से कोशिश करते हैं, बाकी क्लाइंट्स के जो मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल होता है उसको अचीव करना होता है. ठीक है, ठीक है, ये यही होता मतलब. चले, थैंक यू आपका रियल एस्टेट जी. व्यूअर्स, तो आपने देखा अभी हमने आपकी, हमने अभी बात की अपने मकान सॉल्यूशन के कुछ स्पेशलिस्ट से और उन्होंने अपनी राय दी और उन्होंने अपने बारे में अपनी जो एक एक्सपीरियंस हुआ है उनका आज इस एक्सपो के फर्स्ट डे का उसके बारे में उन्होंने बताया. इसी तरह मजीद आपको हम बताएं कि इनका अभी फर्स्ट डे है, कल इनका सेकंड डे और थर्ड डे होगा. तो ये ऐसे है कि आज फर्स्ट डे है तो सेकंड डे इनकी मजीद यहाँ पे रश लोगों का ज़्यादा होता जाएगा और भी लोग, क्योंकि आज आपको बताया आज फ्राइडे था, वर्किंग डे था, तो कल हॉलीडे है, सैटरडे है, संडे है, वीकेंड है. तो यहाँ पे मे बी कल इससे भी ज़्यादा, अगर आप भी आना चाह रहे हैं तो आप भी ज़रूर आएँ. स्टॉल नंबर 12 मकान सॉल्यूशन, तो हम आपके मुंतजिर हैं. आप आएँ, आके हमसे अपनी सजेशन दें, हम आपको प्रॉपर एक एक चीज़ के बारे में गाइड करेंगे. और थैंक यू. दिस इज फवाद साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.